सो गैस, आपको पता है प्रीमियम रेंज की वॉचेस हर कोई बाय करना चाहता है, बट गैस प्रीमियम लुक के साथ साथ फीचर भी चाहते हैं लोग। तो यहाँ पे मैं आपको टॉप कुछ वॉचेस लेके आया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे रॉक भी मैंने लिया है फायरबोल्ट की, ये भी काफ़ी प्रीमियम लगती है, तो इसको मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो गैस यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रीमियम वॉचेस बनाती है वो यहाँ पे फायरबोल्ट की, जो फायरबोल्ट है वो बनाता है, और उसके बाद बोट भी आता है यहाँ पे, तो ये हम लेने वाले हैं। नॉइस की भी होती है, नॉइस की प्रो फाइव मैक्स या प्रो फाइव में जिसमें स्टील का स्ट्रैप आता है वो भी आप देख सकते हैं एक बार, बट यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं लेने वाले, टॉप की पाँच ही लेने वाले। एक दो मैं नॉइस की भी इंक्लूड कर दूंगा, पेबल की भी इंक्लूड कर दूंगा इस वीडियो में। तो गाइस बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में, एंड उसी के साथ साथ अभी जो बिग सेविंग डेज है जो फ्लिपकार्ट पे चल रहे हैं वो भी एक्सटेंड हो चुके हैं, तो आपको भारी मात्रा में जो डील्स है वो देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। वैसे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम कमाल की डील डालते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पर मिलती रहती है। सो गाइस क्या करें, यहां पे प्रीमियम रेंज की वॉच में सबसे पहले हम यहां पे रखते हैं फायरबोल्ट, बोट, नॉइस। यस गाइस, बोट, बोट की एम्ब्रेस वॉच है ये, अभी लॉन्च हुई थी हाल फिलहाल में, मैंने इसका रिव्यू अनबॉक्सिंग कर रखा है, काफी प्रीमियम लगती है वॉच, 2899 रुपए के प्राइस बैग में देखने को मिलती है आपको। ये वॉच आई थिंक अभी 3200 रुपए हो चुका है, इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ चुका है, बट किसी को लो प्राइस में बाय करनी तो मेरे से आप इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, जिस प्राइस में लॉन्च हुई थी उस प्राइस में मिल जाएगी आपको, नो डाउट। और यहाँ पे इस तरीके से आपको रोटेटिंग क्राउन का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, इस बार बोट ने काफी अच्छा काम किया है एम्ब्रेस के साथ। यहाँ पे आपको मेटल का डायल दिया है और ये 1.51 इंच की एमोलेड, ट्रू एमोलेड डिस्प्ले दी है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के फीचर के साथ देखने को मिलती है, ये फ्लिकर कर रही डिस्प्ले, ऑन कैमरा ही करती है ऐसा नहीं करती। उसी के साथ साथ यहाँ पे पॉलीकार्बन बैक मिल जाता है देखने के लिए, एंड 2x2 बटन तो है ही है, रोटेटिंग क्राउन सेकेंडरी बटन देखने को मिलता है, एंड गाइज ये चेन वाला स्ट्रैप भी काफी अच्छा है, दो कलर शेड में आती है, ग्रे और ब्लैक, तो गाइज ब्लैक ज्यादा अपीलिंग लगता है, ये मैंने ब्लैक ही मंगाया हुआ है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको गेम्स कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाता है इस वॉच में, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार यहाँ पे टैप करके, एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सिंगल चिप कनेक्टिविटी के साथ आती है, वॉच में सॉन्ग भी सुन सकते हो, मैंने रिव्यू किया था तो उस टाइम मैंने आपको नहीं दिखा पाया था, बट यहाँ पे वॉच में सॉन्ग सुन पाओगे आप, ये भी काफ़ी अच्छा है। कैलकुलेटर मिल जाता है, कैलेंडर मिल जाता है, तो गैस यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, गेम्स तो हैं इसमें, न्यू गेम भी देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। हार्ट रेट एसपी डाल मॉनिटर मिल जाता है, ओवरऑल ये वॉच आपके लास्ट मीडियम इसके लिए ठीक है, थिन इस पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली वॉच, ये ध्यान रखिएगा। प्रीमियम सेगमेंट में इसको मैं नंबर 1 पर रखता हूँ अभी, क्योंकि हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है और इसी वजह से इसकी हाइप भी काफ़ी अच्छी है मार्केट में, क्योंकि जितनी वॉचेज आती है 1.43 इंच की डिस्प्ले के साथ आती है, उसमें क्या होता है कि ब्लैक बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मैसिव होते हैं, जिसकी वजह से उसका लुक काफ़ी अच्छा नहीं आता, तो यहाँ पे एम्ब्रेस का जो लुक है वो काफ़ी प्रीमियम आता है, इन हैंड फील भी काफ़ी अच्छा रहता है इसका। तो गैस ये आपको वॉच मिल रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी, जाके आप ग्रैब कर सकते हो, लो प्राइस में बाय करना है तो मेरे से इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम रखते हैं यहाँ पे बहुत ही प्रीमियम वॉच जो है फायरबोल्ट की रेंज में आती है, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा अपना जो बजट है वो, यहाँ पे ले सकता है फायरबोल्ट की रॉयल, इसी सेगमेंट में एक डायमंड भी आती है देखने के लिए मिलती है आपको, सेम यूआई के साथ आती है बट उसमें रोटेटिंग क्राउन का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, डायमंड इससे ज़्यादा प्रीमियम लगती है बट ये थोड़ी सी रगेड फील होती है आपके हाथों पे। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे वॉचेज मिल जाते हैं, 4 GB स्टोरेज मिल जाता है, सॉन्ग्स को सुन सकते हो वॉच में, स्टोर कर सकते हो, बर्ड्स को पेयर कर सकते हो, डबल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ वॉच देखने को मिलती है, एंड यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स ऑफ फीचर देखने को मिल जाते हैं इसमें, हार्ट रेट एसपी 2000 मॉनिटर मिल जाता है देखने के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एआई वॉइस असिस्टेंट, कैलकुलेटर, और इवन रिकॉर्ड भी कर सकते हो अपनी वॉइस को, तो ये भी इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, और गेम्स तो है ही है इसमें, 4-5 गेम मिल जाते हैं, 7 तक मिल जाते हैं बेसिकली, तो गैस ये काफ़ी ज़्यादा फीचर के साथ आती है और प्रीमियम भी लगती है। अब अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूँ बोट की एम्ब्रेस से तो डेफिनेटली ये फीचर ज़्यादा लेके आती है, बट एम्ब्रेस का लुक ज़्यादा फॉर्मल टाइप का लुकिंग है, ये थोड़ा सा रगेड फील लेके आती है। एंड ये वॉच आपको 4500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बट अगर किसी को कम प्राइस में बाय करना है अगेन हमारे पास आप आ सकते हैं, टेलीग्राम पे अगर आप हैं तो मैसेज कर सकते हैं, या आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमारा जो चैनल है उसको, मतलब हमारा जो प्रोफाइल है उसको फॉलो कर लेना और हमको मैसेज कर देना, आपको ये अराउंड डिलीवरी चार्ज मिला के 4000 रुपीज़ के अंडर मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसका ब्लैक शेड है मेरे पास, तो गैस ब्लैक शेड है सेल पे, ये वाला सेल पे नहीं है बेसिकली, ये ऑलरेडी बुक हो चुका है 1 पर्सन के लिए। तो गैस यहाँ पे 3x2 बटन जाते हैं, रोटेटिंग क्राउन है, सब कुछ है यहाँ पे, 8 to 8 काफ़ी अच्छी लगती है वॉच, वैसे लास्ट टू मीडियम इसके लिए ठीक है, थिनिश पे अच्छी लगेगी, ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे पहले जो वॉच थी बोट की वॉच वो भी लास्ट टू मीडियम इसके लिए ठीक थी, ये भी आपके लास्ट टू मीडियम इसके लिए ही ठीक है। अब गाइस जो नेक्स्ट वॉच है उसकी तरफ चलते हैं, यहाँ पे जो नेक्स्ट वॉच है यहाँ पे आती है एमोलेड डिस्प्ले के साथ, अगेन ये देखो काफ़ी प्रीमियम वॉच है, ये है फायरबोल्ट की, अगेन पिक्सल की कॉपी लगती है पूरी की पूरी,
ये रॉक गाइज 2199 में मिल रही है, बहुत ही किलर डील है। 3000 रुपये की प्राइस बैक में लॉन्च हुई थी। एंड गाइज ये वाला शेड तो गर्ल्स के लिए काफी अच्छा है डेफिनेटली, यहाँ पे ये बॉयज़ के लिए अच्छा रहेगा, गोल्डन शेड है ना इसमें तो गर्ल्स के लिए काफी अच्छा, सिल्वर और ब्लैक बॉयज़ के लिए काफी अच्छा रहेगा। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है, सेकंड बटन मिल जाता है, एकदम डिट्टो पिक्सल वॉच की पूरी कॉपी लगती है। बट यू आपका यहाँ पे डैगर वाला दिया गया है, यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे रोटेटिंग क्राउन का ऑप्शन भी देखने मिलता है, रोटेटिंग क्राउन भी प्रॉपरली वर्क करता है यहाँ पे। उसी के साथ साथ यहाँ पे गेम्स कैलकुलेटर का ऑप्शन नहीं मिलता, बट यहाँ पे आपको हार्ट रेट डिस्प्यूट और वॉइस असिस्टेंट जरूर देखने को मिल जाता है। ये वॉच वैसे लास्ट मीडियम इसलिए ठीक है, फिनिश पे चल सकती है, बट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना आपके 5.8 इंच से नीचे है रिस्ट तो नहीं चल पाएगी वॉच। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे ग्लास्टिक बैक मिलता है, मेटल का जो डायल है वो तो है, सारी की सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं इस वॉच में। एंड अगेन वुमेंस के लिए काफ़ी कमाल की डील बन जाती है, 2199 में आप किसी को गिफ्टिंग पर्पज के लिए ले सकते हैं, तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब गाइस जो नेक्स्ट वॉच है उसकी तरफ आते हैं, यहाँ पे है फायरबोल्ट की एक कमाल की वॉच ज़ेलर, ज़ेलर भी है एक और इसके साथ आई थी वॉच, और उसमें TFT LCD पैनल था, बट ये ज़्यादा प्रीमियम लगती है क्योंकि इसमें AMOLED डिस्प्ले देखने मिलती है। बट एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ है इसके अंदर जिसकी वजह से यहाँ पे ये वॉच थोड़ी सी पीछे रहती है, वो है इसका ब्लैक बॉर्डर का होना चारों तरफ, बहुत ही अगली लगता है ये, बट ब्लैक वॉलपेपर पे बिल्कुल ही पता नहीं चलता, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे स्टील का स्ट्रैप मिलता है, स्ट्रैप की क्वालिटी टॉप नॉच मिलती है, मतलब पता नहीं फायरबोल्ट कौन से यहाँ पे टाइप कर रखा है, किस उससे ब्रांड से, ये काफ़ी हैवी लगता है स्ट्रैप इसका, वॉच से ज़्यादा हैवी स्ट्रैप ही लगता है। इसका यू एकदम सेम डिटो कॉपी है उसका, जो फायरबोल्ट की विजनरी वॉच है या जो पहले न्यूक्लियस आती थी उसी वाला ही पूरा कॉपी लगता है। गेम भी देखने को मिल जाते हैं दो इसमें, और वॉइस असिस्टेंट कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाता है। ये वॉच थोड़ी सी महंगी मिलेगी आपको, आई नो यहाँ पे 4000 रुपये तक चली जाती है, 3999 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, बट किसी को डायमंड कट यहाँ पे स्टील स्ट्रैप के साथ प्रीमियम फील वाली वॉच चाहिए तो डेफिनेटली इस वॉच को एक बार चेकआउट कर सकता है, टेक अ लुक कर सकता है इस वॉच के लिए भी। बट ये कि इसमें डबल ब्लू टूथ कनेक्टिविटी है, रेस टू वेक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ काम नहीं करेगा, और थोड़ा सा डिले इन रेस टू वेक का ऑप्शन, रेस टू वेक भी डिले रहता है इसका, तो ये सब चीज़ें हैं वॉच में। और स्टोरेज भी नहीं मिलता इसमें आपको, जैसे कि विजनरी में स्टोरेज मिलता है तो इसमें स्टोरेज नहीं मिलता आपको, इसमें प्लेयर जरूर मिलता है, वॉच में सॉन्ग सुन सकते हो बट स्टोर नहीं कर सकते, तो ये है थोड़ा सा। इससे पहले जो मैंने पास देखी थी वो ज़्यादा सेंस बनाती है, फायरबोल्ट की रॉयल या डायमंड आप ज़्यादा बेटर प्रेफर करोगे इससे, क्योंकि उसमें आपको फीचर ज़्यादा मिलते हैं। अब गाइस इन दोनों वॉचेस को रखने से पहले मैं और एक दो वॉच बताता हूँ। नॉइज़ की प्रो 5 मैक्स या प्रो 5 के लिए भी आप जा सकते हैं स्टील के स्ट्रैप के साथ, वो भी काफ़ी अच्छी डील मिल जाती है। एंड गाइस अगर आपका बजट कम है तो अल्ट्रा 3 के लिए भी जा सकते हैं आप, विजन 3 अल्ट्रा 3 दोनों सेम ही है, वही 2500 या 3000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, स्टील वाले स्ट्रैप तो 3000 रुपये मिल जाएगा आपको, तो काफ़ी अच्छी डील मिल जाती है, उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नॉइस की भी वॉचेज़ हैं, मतलब बोट की वॉच तो मैंने बताई दी, नॉइस की तो आपको मैंने बताई दी है, प्रो 5 मैक्स और अल्ट्रा 3। पेबल की भी कुछ वॉचेज़ हैं, बट पेबल में हाँ पेबल की मैंने रिव्यू अनबॉक्सिंग किया था अभी हाल फिलहाल में, पेबल की ल्यूक्स 3 वो भी काफ़ी कमाल की वॉच है, तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। अगर आपका बजट 2000 रुपये से कम है तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं, मतलब 2100-2200 रुपये में आपको आई थिंक 2200-2300 रुपये मिल जाती है चेन वाले स्ट्रैप के साथ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बजट ब्रैकेट में देखें तो मेरे ख्याल से कम ही वॉचेस अवेलेबल, तो यहाँ पे ये काफ़ी प्रीमियम है फायरबोल्ट की शोलेस। इवन ये वॉच मतलब AMOLED डिस्प्ले वाली वॉचेस को ही पछाड़ देती है इन टर्म्स ऑफ लुक्स गाइस, मतलब इसकी डिस्प्ले इवन तो AMOLED नहीं है बट उसके बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी कलर एक्यूरेटी ये वॉच है, देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी कलर एक्यूरेटी वॉच बन जाती है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल जाता है, ये गोल्डन प्लस सिल्वर का एक्सेंट काफ़ी कमाल का लगता है, पीछे की साइड आपको सेंसर मिल जाता है देखने के लिए, ये आपको ऑन ऑफर देखने को मिल जाती है, 2000 रुपये की प्राइस ब्रैकेट मिल रही है, वैसे आई थिंक ये 1500 तक की भी गई है लास्ट सबसे कम, तो उस प्राइस में जाए तो आप बाय कर सकते हैं, अभी भी ये डील ठीक है यहाँ पे, बट अगर आप थोड़ा सा देखोगे आसपास तो आपको AMOLED डिस्प्ले वॉच भी मिल जाएंगी। बट ये है कि जिसको लुक बेटर चाहिए वॉच का और प्रीमियम फील चाहिए तो इस वॉच के लिए डेफिनेटली जा सकता है। गेम्स कैलकुलेटर मिल जाता है, सिंगल चिप कनेक्टिविटी के साथ ही वॉच देखने को मिलती है, और वॉइस असिस्टेंट तो है ही है इसके अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे फायरबोल्ट की बहुत ही तगड़ी वॉच है, ये है फायरबोल्ट की बिल्जार्ड अल्ट्रा। बिल्जार्ड तो आपको पता ही होगी, बिल्जार्ड को थोड़ा सा रिवैम्प कर दिया, उसको अल्ट्रा बना दिया, दैट्स इट। यहाँ पे ये भी काफ़ी प्रीमियम वॉच है देख सकते हो, और डायमंड कट फिनिशिंग पूरा का पूरा, ये जो डायमंड दिए गए काफ़ी कमाल की वॉच लगती है, ऐसे देख सकते हो काफ़ी कमाल लग रही है, और उसी के साथ साथ प्रीमियम सेगमेंट में काउंट होती है वॉच भी। एंड कम प्राइस में आपको ये जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उस तरीके से लुक दे रही है आपके हाथों पे, सामने वाला तो सबसे चौंक जाएगा कि मतलब ये आपने राडो वॉच तो नहीं पहन रखी है इतनी महंगी वाली, 1-2 लाख वाली, तो ये एक लुक मिल जाता है। बट अगेन स्ट्रैप की क्वालिटी डिसेंट है, नॉट द बेस्ट, एक्यूरेसी एकदम एवरेज से भी बिलो है, एक्यूरेसी एक्सपेक्ट मत करिएगा इससे, बस लुक्स के लिए काफ़ी अच्छी है, और कॉलिंग फैसिलिटी मिल जाती है, गेम भी देखने को मिल जाता है इसमें आपको, डबल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है, थोड़े से इशूज़ हैं कनेक्टिविटी में भी इशू रहते हैं इसमें, बट ये कि लुक्स के लिए आप इसको एक बार टेक अ लुक कर सकते हैं। तो गाइज ये थी कुछ 5 वॉचेज जो मैंने आपको बताई, 5-6-7 वॉचेज बता दी। अगर आपका क्वेरी इन सारी वॉचेज से रिलेटेड कुछ भी रहता तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बिना हिलना नहीं, आपको बेल आइकन कॉल कर देना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।